सरप्राइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। सो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो कुछ तो छोटा मोटा कर ही लेते हैं, ऐसे तो हम लोग का कोई प्लान नहीं था सेलिब्रेशन के लिए बिकॉज वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने सोचने के लिए रात में ही डेकोरेशन को बुलाकर 11 बजे डेकोरेट कराया, ऑल दो मुझे अवेलेबल मिल गया था तो इसलिए उसने आके डेकोरेशन कर दिया। मैंने सचिन को दिया, सचिन हुआ सरप्राइज। गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज बज रही हैं सुबह 7। हम लोग का प्लान था 6:30 घर से लीव करने का बिकॉज आज हम लोग जाने वाले थे घूमी करने के लिए मॉर्निंग में, बट अगेन वी आर लर्निंग इट। ओ गॉड, मुझे वो क्या, ऑलवेज लेट नाउ डेज, रीजन इज। सो वी आर हियर फॉर रिपोर्टिंग। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? सोते सोते ना एकदम साथ मिला है। कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। डे स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल सीन ऑफ घाट्स। कैसा लग रहा है? सुबह सुबह उठा दिया तुमको? अच्छा लग रहा है। अच्छा first life jacket, it's good to see they are providing us life jacket. Beautiful nazara of Banaras, it's called Subah Banaras. Tata. बोटिंग का प्लान नहीं था बट यहाँ पे आने के बाद हम लोग बोटिंग कर लेते हैं। कबीर भी था तो हम लोग एक शेयरिंग बोट करिए यहाँ पे, और लाइफ जैकेट हम लोग को मिला। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, और सारे ही बोट पे ये चीज थी। आई डोंट नो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे जनरेटर बहुत तेज चल रहा है। बनारस का ट्रैफिक और स्ट्रीट फूड आफ्टर घाट विजिट, मस्त मजा ही आ गया। सो हम लोग रात में सेलिब्रेशन 12 बजे शुरू करे, काफी ढेर सारे केक्स काटे, फैमिली के साथ छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी कर ली, सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट एनिवर्सरी विद मोमोज बिकॉज़ वी लव मोमोज, राइट। तो हम लोग ने मोमोज खाने का डिसाइड किया, और वाराणसी में हम लोग ने एक जगह देखा जहाँ पे मोमोज बहुत अच्छा मिलता है, फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो वहाँ पे हम लोग ने पहले ट्राई किया थुक्पा, देन हम लोग ने लिया कॉकटेल मोमोज जिसमें काफ़ी मोमोज के वैरायटीज मिक्स थे, काफ़ी डिलीशियस था, सच में माउथ वाटरिंग था यार, मतलब मज़ा ही आ गया। एक काफ़ी दिनों बाद हम दोनों अकेले करके बाहर निकले थे एक स्मॉल डेट के लिए, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। होटल्स वगैरह जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इट वाज़ वेरी नाइस पीसफुल प्लेस था। और रात में हम लोग 10 बजे गए थे, थैंक गॉड ये ओपन मिल गया था, अदरवाइज हम लोग तो फंस जाते। एक हम लोग खा ही लेते हैं ना। हाँ हाँ, ये क्या नाम है इस पान का? बनारसी स्पेशल पान। थैंक यू। सो फिर हम लोगों ने ये पान खाया, भैया तो पान दे रहे थे तो सोच रहे थे कि मैं पहली बार खा रही हूँ, ऑल दो हाँ ये बहुत ज़्यादा स्वीट था, मैंने बहुत सा पान खाया बट इसके साथ ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा मीठा मीठा सारा, ये सारे जो भी इसको जेलीज बोलते दे दिया था,
गॉड बहुत ही टेस्टी था, बट ये बहुत ज़्यादा मीठा था गाइज। जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बनारस आकर। ये एक्सपेंसिव भी नहीं था, इट्स जस्ट 50 रुपीज़ पान, और बहुत ही यम्मी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार की बात तो है जो वहाँ भैया खिलाने वाले थे वो तो और मज़ेदार थे। वो हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से ब्रीफ कर रहे थे, और बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा और भी पान के बारे में वैराइटीज़ दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा मेरा वीडियो ऑन है, बट मेरा वीडियो ऑन नहीं था। इट वॉज सो सैड फॉर मी। सो गाइज एनी विच वेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Give a thumbs up, like and subscribe my channel for more videos. Bye bye.